बिहार की महान स्वतंत्रता सेनानी में शुमार अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला की 28वीं शहादत दिवस पर जिले के तमाम नेता पहुंचे हुए थे। मुजफ्फरपुर के बैरिया गोलंबर पर स्थित अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला की मूर्ति पर सभी नेताओं ने माल्यार्पण किया। इस मौके पर अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला की जीवनी पर आधारित पुस्तक पर चर्चा की गई। इसके साथ ही राष्ट्रगान गाकर उन्हें सम्मान दिया गया। इस मौके पर बिहार सरकार में राजस्व एवं भूमि सुधार मंत्री राम सूरत राय भी पहुंचे हुए थे। वह इस मौके पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट के अध्यक्ष अजित कुमार भी पहुंचे हुए थे। वहीं जिले के कई सामाजिक कार्यकर्ता के साथ पूर्व मंत्री, विधायक और कई बड़े नेता शामिल थे। देखिए, बैकुंठ शुक्ला हमारे स्वतंत्रता आंदोलन के बिहार के प्रथम शहीद थे, जिन्होंने फांसी के फंदे को देश के लिए चूमने का काम किया था। आज उनका शहादत दिवस है। हम सब शहादत दिवस पर भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट की ओर से उन्हें बैरिया गोलंबर पर श्रद्धा सुमन अर्पित करने आए हैं। और जहां तक बैकुंठ शुक्ला को सम्मान नहीं देने की बात है, निश्चित रूप से जो देश के लिए अपने आप को न्यौछावर किया, वैसे लोगों को अगर इस शासन में सम्मान नहीं मिलता है तो बेहद दुखद और चिंता का विषय है। भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट ने पिछले दिन पटना के अपने सम्मेलन में प्रस्ताव पारित कर राज्य सरकार से, भारत सरकार से स्वर्गीय अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के नाम पर गया सेंट्रल जेल का नामकरण करने का मांग किया है। चूंकि गया सेंट्रल जेल में कई हमारे शहीदों को फांसी के फंदे पर झुलाया गया था, वो ऐतिहासिक जगह है, इसलिए हम लोगों ने ये मांग किया है। और फ्रंट की ओर से लालगंज में जो उनका पैतृक गांव है, वहां भी फ्रंट की ओर से आज श्रद्धांजलि सभा का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। और पूरे राज्य के स्तर पर पटना में भी आज भूमिहार ब्राह्मण सामाजिक फ्रंट स्वर्गीय अमर शहीद बैकुंठ शुक्ला के चरणों में श्रद्धा सुमन अर्पित करने का कार्यक्रम रखा है। इसको स्मार्ट सिटी में नहीं लिया गया है। अरे कथी स्मार्ट सिटी का नाम लेते हैं, बैकुंठ शुक्ला अमर रहे। मैं अपने परम श्रद्धे बैकुंठ शुक्ला जी को आज श्रद्धा सुमन अर्पित किया हूँ। उनका 28वां शहादत दिवस हम सब लोग इकट्ठा हुए हैं। मैं अपने बिहार वासियों को, अपने मुजफ्फरपुर वासियों के नौजवानों से आग्रह करना चाहता हूँ, परम श्रद्धे हमारे बैकुंठ शुक्ला जी का जो सपना था देश आज़ादी कराने का, जो अभी आज़ादी का 75वां अमृत महोत्सव हम लोग मना रहे हैं, इस अमृत महोत्सव के माध्यम से जो बचे हुए सपने हैं उनका पूरा हम लोग करें। और निश्चित रूप से लोगों की मांग जो है वो पूरा हो, उनके नाम पर बैरिया बस स्टेशन हो, उनके नाम पर सेंट्रल जेल बने, तमाम हमारे देश और जिला और राज्य के अंदर जो भी वीर शहीद हैं उनको हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करते ही हैं। उनको उनके नामों पर बड़े बड़े काम हो, ये हमारी शुभकामना है। इसको स्मार्ट सिटी में नहीं लिया गया, क्या कहेंगे? निश्चित रूप से जो बचा है लिया।